हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, ये ESP32 के इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस ESP32 के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप मिस ना करो। तो ये पूरी एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं आपको ESP32 पे कैसे काम कर सकते हो और माइक्रो पाइथन वगैरह से कैसे प्रोग्राम कर सकते हो इसे आप, और बहुत सारी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने ESP8266-12V जो हमारी नोड MCU है, इस पर एक डिटेल ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाया हुआ है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। उसी का ये सक्सेसर बोर्ड है ESP32। तो ये इंडिया में अराउंड 800 रुपीज़ के प्राइस टैग पे अवेलेबल है। और जो खासियत इसकी है कि ये ड्यूअल कोर है और इसमें वाईफाई और BLE दोनों ही आपको मिल जाती है। और एक बात, जैसा कि आप देख रहे हो तो यहाँ ये जो इसकी चिप है, यानी कि जो ESP32 की चिप है, वो बहुत सारे वेंडर्स बनाते हैं। ऐसे तो ये एक्सप्रेस इफ ने इसका आर्किटेक्चर पूरा बनाया हुआ है। AI थिंकर का भी चिप्स आता है। तो अगर आपके पास ESP32 से कुछ भी कंफर्टेबल चिप है, भले ही दूसरे किसी वेंडर्स ने बनाया हो, जैसे कि DF रोबोट ने बनाया हो, तब भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। सो मार्केट्स में ESP32 के बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन मोर और लेस चीज़ें सिमिलर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से इसके बोर्ड पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ अनेबल है, तो अनेबल सिमिलर है रीसेट की तरह। तो जब भी आप अनेबल को प्रेस करोगे तो हमारा बोर्ड रीसेट होता है। उसके बाद है हमारे पास बूट। सो अनेबल और बूट को अगर आप प्रेस करके एक संग रखते हो तो हमारा जो ये बूट मोड में चला जाता है। उस केस में आप इसके TX RX से भी इसे प्रोग्राम कर सकते हो, यानी आपको USB की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ हमारे पास USB to Serial कन्वर्टर है, तो ये CP2102 यहाँ चिप लगी हुई है। सो बेसिकली आपको अपने कंप्यूटर में भी CP2102 की ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो हो सके तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रही हमारी रूम ESP32 की चिप। यहाँ आप देख सकते हो 3.3 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है और इसमें अराउंड 30 GPIO पिंस है। और इसमें खासियत यह है कि इसमें इसके अंदर आपको एक इंटरनल टेम्परेचर सेंसर मिलता है। कि जो पिंस है उसमें अराउंड 10 पिंस हमें ऐसी मिल जाती है जो कैपेसिटिव टच सेंसर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम उसे भी देखेंगे। और जहाँ तक पेरीफेरल्स की बात है, ये बहुत सारे पेरीफेरल्स को सपोर्ट करता है, जैसे ADC, DAC हो गई, हमारे पास SPI हो गई, UART हो गई, यहाँ तक कि CAN 2.0 प्रोटोकॉल सपोर्टेड है इसमें। फिर हमारे पास I2C हो गई, I2S हो गई, तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी इन्हेंस और बहुत ही अच्छा बोर्ड है जिससे आप मल्टीपल बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो। तो दोस्तों, अब जल्दी से देखते हैं कि अपने IDE में हम कैसे इसके बोर्ड्स को अटैच कर सकते हैं आर्डिनो के IDE में, और एक ब्लिंक कोड को इसमें रन करके देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप पे और आर्डिनो IDE को ओपन करना है। सो अगर मैं टूल्स के अंदर आपको बोर्ड्स दिखाऊं यहाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास ESP32 के लिए बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो मेरे पास ESP12V और 12F से रिलेटेड जो बोर्ड्स है, हमारे वेब माउस वगैरह, वो सब है। सो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आते हैं फाइल्स में, प्रेफरेंस में आपको आना है। आने के बाद देखिए, ये मैंने यूज़ किया था जब मैंने ESP की बोर्ड्स को यूज़ किया था। तो अब मैं यहाँ एक कॉमा लगाने वाला हूँ और यहाँ मैं एक URL को पेस्ट करूँगा जिसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, तो आपको इसे पेस्ट कर देना है। सो ये पर्टिकुलर URL को मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, और ओके करते हैं। करने के बाद आपको एक एक्टिव नेटवर्क से कनेक्ट करना, तो मैं यहाँ इंटरनेट से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इंटरनेट से कुछ बोर्ड मैनेजर्स को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमें फिर आना है टूल्स में और बोर्ड में बोर्ड मैनेजर पर क्लिक करते हैं। करने के बाद अभी ये कुछ डाउनलोड करेगी लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट, और जैसा कि हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया हुआ, तो ये ESP32 की जो बोर्ड्स है वो पैकेजेस यहाँ अभी उनकी लिस्ट इंस्टॉल करेगी। ठीक है, सो थोड़ी देर रुकते हैं। अब हमें यहाँ सर्च करना है ESP32। सो आप देख सकते हो ये ESP32 बाई एक्सप्रेसिव सिस्टम हमारे पास आ गई। इसे क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करना है और हमारे यहाँ जो
बोर्ड्स की डेफिनेशन है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई, सो ये कुछ टाइम लेगी इंस्टॉल होने में। सो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे क्लोज करते हैं। तो हमें टूल्स में आना है और बोर्ड्स में अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ ESP की बोर्ड्स भी इंक्लूडेड हो चुकी हैं, सॉरी ESP की बोर्ड्स इंक्लूडेड हो चुकी है और बहुत सारी हमारे पास बोर्ड्स आ रही हैं। सो ESP32 डेव मॉड्यूल आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके बोर्ड के पीछे डूइट ESP32 डेव किट लिखा हुआ है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। सिंस मेरे पीछे सिर्फ ESP32S लिखा हुआ है सो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इनकेस अगर ये काम नहीं करता है तो आप डिफरेंट यहाँ से जो ESP आपकी मैन्युफैक्चरिंग जिस कंपनी ने की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिफरेंट अवेलेबल बोर्ड्स मिल जाएंगे। सो मैं अभी के लिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप अभी देख सकते हो अभी मैंने प्लगइन नहीं किया हुआ है। सो सबसे बेस्ट वे होता है पोर्ट देखने का कि देख लो आप अभी आपको यहाँ पोर्ट शो पोर्ट पोर्ट में COM4 शो कर रहा है, और जैसे ही मैं अपने अगर ESP को प्लग करता हूँ और फिर से इसे देखते हैं सो आप देख सकते हो अभी भी मुझे ये COM4 ही शो कर रहा है। इसका मतलब जो मेरी ड्राइवर है मुझे इंस्टॉल करनी होगी। तो सिंस मैंने कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसमें CP2102 की USB2 serial चिप लगी हुई है तो उसके लिए हमें उसकी ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। तो ESP CP2102 ड्राइवर बोल के सर्च करते हैं। जब हम पहली लिंक है उस पर क्लिक करते हैं और करने के बाद आप देख सकते हो विंडोज 10 के लिए है ये, और मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी विंडोज 10 पे हूँ। वैसे ही आप विंडोज 7 पे अगर XP पे हो तो उसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो 64 बिट मैं इसे क्लिक करता हूँ। यस नेक्स्ट। सो ये इंस्टॉल हो चुकी है फिनिश। अब मैं वापस से आर्डिनो की IDE में जाता हूँ और पोर्ट में आप देख सकते हो अभी भी पोर्ट शो नहीं कर रहा। मैं फिर से इसे प्लग करता हूँ अगर मैंने यहाँ प्लग कर दिया, आप टूल्स में जाते हैं सो आप देख सकते हो हमारा जो पोर्ट है वो शो करने लगा COM3। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फाइल्स में जाते हैं और एग्जाम्पल्स में मैं एक आप देख सकते हो बहुत सारी ESP की कोड्स हमारे पास यहाँ आ गई है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल का कोड जो हमारा बेसिक कोड है उसे रन कर रहा हूँ। सो यहाँ ब्लिंक को ओपन करते हैं। सिंस जो ESP32 की ऑनबोर्ड LED है वो GPIO पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, और इसको मैं 2 से रिप्लेस करने वाला हूँ तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारी जितनी भी पिन थी वो पिन नंबर 2 से रिप्लेस हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकेंड के लिए ऑन रहे और 1 सेकेंड के लिए ऑफ रहे तो मैंने इसे एडिट कर दिया। अब यहाँ मैंने कॉम पोर्ट भी सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है अब अपलोड करते हैं। यहाँ जो हमारी कोड है वो अपलोड होनी स्टार्ट हो गई। अब जैसा कि आप देख सकते हो हमारी कोड जो है अपलोड हो गई है, और यहाँ जो हमारी ऑनबोर्ड LED है वो 2 सेकंड के लिए ग्लो कर रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जा रही है। तो दोस्तों ये बेसिक सा एक ट्यूटोरियल रहा जैसे कैसे आप आर्डिनो के IDE में ESP32 के बोर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हो, और आने वाले वीडियोज में हम ESP32 के बारे में और भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।